हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो हम माता मरियम की मध्यस्थता के लिए एक प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। तो और एक बार जय यीशु। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के वचनों को सुने, इसलिए शैतान नींद लाता है। आप लोग भरपेट भोजन भी किया है तो सोना और सहज है, तरह तरह के विचार लाएंगे, प्रलोभन में डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक वचन मेरे पीछे दोहराएंगे, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया हालेलुया। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं बैरी की सभी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 49 में प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों से कहा था, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन तुम शहर में तब तक बने रहोगे जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध ना हो जाओगे। तो पवित्र आत्मा कहाँ की शक्ति है? ऊपर की शक्ति है, वह नीचे की शक्ति नहीं है, पृथ्वी की शक्ति नहीं है, हमारे शरीर की शक्ति नहीं है, हमारी धन संपत्ति की शक्ति नहीं है, हमारी क्षमता की शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ऊपर की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। तो तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संबंध ना हो जाओ। और शिष्यों ने प्रभु येसु के आदेश का पालन किया और येसु के आदेश के सामने वे नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपने को समर्पित किया। और हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में भी पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप यरूशलेम यहूदिया समारिया पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और सभी प्रेरित अटारी पर चढ़े शिष्यों के साथ, माता मरियम के साथ। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1:12 से 14 तक में, सब अटारी पर चढ़े और उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की। कितने दिनों तक प्रार्थना की होगी? कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, क्योंकि यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद और पेंतेकोस्त हुआ था 50 दिनों के बाद। इसका मतलब 10 दिनों तक वे अटारी पर चढ़े और वे माता मरियम की अगुवाई में प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में सभी प्रेरितों पर, सभी शिष्यों पर उतरे। वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और उनका डर भय चूर हो गया। वे सामर्थ्य से, शक्ति से, अभिषेक से भर गए और उन्होंने प्रभु का सुसमाचार की घोषणा प्रारंभ किया। हालेलुया हालेलुया। पेत्रुस ने एक जबरदस्त प्रवचन दिया, कितने सारे लोगों का मन परिवर्तन हो गया? 3,000 लोगों का मन परिवर्तन सिर्फ एक प्रवचन से। इन दिनों हम लोग 3,000 प्रवचन देंगे फिर भी एक जन का मन परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पेत्रुस ने एक प्रवचन द्वारा 3,000 लोगों का मन परिवर्तन किया। हालेलुया हालेलुया।
तो इस प्रकार कलीसिया का जन्म हुआ और सभी प्रेरित सभी शिष्य नई सृष्टि बने और कलीसिया का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। तो आज प्रभु क्या चाहते हैं, हम भी यीशु की शिक्षा के सामने नतमस्तक हो जाएं, यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीने का प्रयास करें। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है समर्पण। हमें यीशु के सामने अपने को समर्पित करना है, पवित्र आत्मा के सामने, पिता के सामने, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शिक्षा को हमें ग्रहण करना है, उस शिक्षा के सामने अपने को समर्पित करना है। तब हम भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हम नई सृष्टि बन जाएंगे, हम प्रभु के संदेश वाहक बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है। आज पवित्र आत्मा, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आप में उतर कर आपको नई सृष्टि बनाएंगे। एक दूसरे को बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। जरा बोलिए, रोमियों के पत्र अध्याय 5:5 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हो सकता है आप प्रेम के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, हो सकता है माता पिता आपको जैसे चाहते हैं वैसे प्यार नहीं करते, हो सकता है पति या पत्नी जैसे चाहते वैसे प्यार नहीं करते हैं, हो सकता है आपके बच्चे आप जैसे चाहेंगे वैसे प्यार नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति आप सबको, मुझको, आपको प्यार करता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम, यीशु का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तीय जीवन एक समर्पण का जीवन है, और जब हम क्रिस्त के निकट आते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु हमारा आहिस्ते आहिस्ते संपूर्ण समर्पण चाहेंगे। और जैसे एक जल प्रपात यानी वाटरफॉल ऊंचे पहाड़ से फूट निकलता है, या झरना ऊंचे पहाड़ से फूट निकलता है और वो बहना प्रारंभ करता है, और झरना और वाटरफॉल कहाँ अंत होता है, बहते बहते कहाँ अंत होता है? समुद्र में, सागर में अंत होता है। और वह सैकड़ों मील यात्रा करता है वह झरना, तब वो एक नदी बन जाता है, और नदी बहते 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 वह सागर के निकट आ जाती है। तब नदी उस सागर को देखती है और वह भयभीत हो जाती है। मैं एक छोटी सी नदी हूँ, लेकिन ये सागर तो बहुत ही विशाल है, और ये सागर का पानी खारा पानी है। मैं तो ताज़ा पानी हूँ, लेकिन मेरा पानी जो ताज़ा पानी है, लेकिन ये सागर का पानी खारा पानी है। मैं तुरंत इस सागर से मिल जाऊँगी तो मेरी पहचान कदम हो जाएगी, मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन अब नदी सैकड़ों मील तय कर चुकी थी, वो पीछे लौट सकती थी? अब वो पीछे नहीं लौट सकती थी, उसको तो सागर से मिलना ही था, और सागर में वह मिल जाती है और पूरा ताज़ा पानी खारा पानी बन जाता है। और नदी के लिए खुशी की बात थी? खुशी की बात थी? खुशी की बात नहीं थी। और उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसकी पहचान समाप्त हो गई, क्योंकि वह सागर में मिल चुकी थी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने महसूस किया कि सागर इतना विशाल है, और उस सागर में हजारों टाइप की मछलियां हैं, जीव जंतु है। अब पूरा सागर नदी का बन गया है, और नदी सागर की बन गई है। जो कुछ सागर के पास था वह नदी का बन जाता है। और सागर के गहराई में क्या है? बहुत ही कीमती मोती है। समुद्र की गहराई में सुंदर मोती है, कीमती मोती है, वो सब नदी का बन गया। और जो कुछ नदी का था वह सागर का बन गया।
जो कुछ सागर का था वह नदी का बन गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो हमारे लिए वो सागर कौन है? प्रभु यीशु है, पिता ईश्वर है, पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु एक प्रार्थना करते हैं ना, योहन के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 10 में, योहन 17:10 में, हे पिता जो कुछ मेरा है वह तेरा है, जो तेरा है वह मेरा है। कितना सुंदर वचन, इस वचन को एक दूसरे को बोलिए, हे पिता जो कुछ मेरा है वह तेरा है, जो तेरा है वह मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात जब हम ईश्वर के हाथों में अपने को समर्पित करेंगे, हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास क्या है? नहीं के बराबर। हो सकता है कुछ पैसे हैं, हो सकता है आपका शरीर है, आपकी कुछ क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, आपके कुछ बच्चे हैं, आपके पास बहुत कम है अपना बोलने के लिए, और आपके पास जो कुछ है वो प्रभु की देन भी है ना। लेकिन जब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा और पिता से कहूंगा, यीशु से कहूंगा, पवित्र आत्मा से कहूंगा, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो कुछ मेरा है वह तेरा है, जो कुछ तेरा है वह मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पास क्या है? क्या है? सब कुछ है, सारा संसार उसी का है, आकाश पृथ्वी और समुद्र, सभी स्वर्गदूत, सूरज चंद्रमा तारे, स्वर्ग राज्य, वहां का आनंद प्रेम खुशी, सब कुछ ईश्वर का है। जब मैं अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित करूंगा, जो कुछ प्रभु के पास है वो सब मेरा हो जाएगा, मैं सच में धनी बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग आज अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित करना चाहेंगे, वे हाथ उठाएंगे, पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित करना चाहेंगे। सब कोई चाहते हैं, तो जोर से ताली बजाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने संत पीटर के बारे में एक फिल्म देखी थी, संत पीटर, सेंट पीटर को वादिस भी एक अच्छी फिल्म है, उसमें भी संत पीटर की चर्चा होती है। संत पीटर प्रभु का वचन सुनाने के लिए रोम तक गया था, और रोम में क्रिश्चियनों पर बहुत भारी अत्याचार हो रहा था, और नेरो सम्राट ने आग जनी शुरू की थी, और कई सारे रोम के शहर सब जल रहे थे, और क्रिश्चियनों पर दोषारोपण किया, जबकि सम्राट ने ही आग शुरू करने का आदेश दिया था, और क्रिश्चियनों पर भारी अत्याचार हो रहा था, वे पकड़े जा रहे थे, जंगली जानवरों के सामने फेंके जा रहे थे, और वे जलाए जा रहे थे। और उस समय संत पीटर क्या करता है, संत पेत्रुस, वह रोम से भागता है या भागने का निर्णय लेता है, और वह भाग रहा था, अचानक यीशु का दर्शन उसको मिल जाता है, और यीशु उससे पूछते हैं, को वादिस, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यरूशलेम वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे भारी अत्याचार हो रहा है। तब प्रभु यीशु पेत्रु से क्या कहते हैं, पेत्रुस मेरा दोबारा क्रूस मरण रोम में होने वाला है, मेरा दोबारा क्रूस मरण रोम में होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोम से ना निकलो, अर्थात रोम में जो कुछ हो रहा है उसका सामना करो। और पेत्रुस बोल रहा था, प्रभु मैं बहुत बुढ़ा हो चला हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर भी यीशु बोले, मैं चाहता हूँ कि दोबारा मेरा क्रूस मरण हो। तब पेत्रुस फिर रोम लौटता है, और वो अत्याचार का सामना करता है, और नेरो के सामने भी वह पेश किया गया, और अंत में पेत्रुस को मृत्यु दंड दिलाया गया, अर्थात उसको भी सूली पर मारने के लिए आदेश दिया गया। और पेत्रुस बोले,
मैं अपने प्रभु की तरह सीधा सूली पर लटकने के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा लटक दीजिए, मैं अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और संत पेत्रुस सूली पर से लटक रहा था और उस समय वह प्रभु की विनती कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। और तब एक सेनापति वो क्या कहता है कि शतपति क्या कहता है, रोम और रोमी साम्राज्य का परिवर्तन हो गया है। जो पेत्रुस का विरोधी था, क्रिस्तियों का विरोधी था, आज से रोम का परिवर्तन हो जाएगा, रोम बदल जाएगा, रोमी साम्राज्य बदल जाएगा और क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फलने फूलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समर्पण का मतलब है जब हम प्रभु के निकट आते हैं, हो सकता है प्रभु हमारे जीवन को भी मांगेंगे, संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 3 में वहां पे वचन कहता है, तुम अपने सारे कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। इस वचन को दोहराएंगे, तुम अपने सारे कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। तो हमें क्या अर्पित करना है? सारे कार्य, आपके जो भी काम है, आपके जो भी कर्तव्य है, आपकी जो भी जिम्मेवारी है, आपके बाल बच्चे हैं, आपके परिवार है, पति है, पत्नी है, चिंताएं हैं, सब कुछ प्रभु के हाथों में अर्पित करना है। सारे कार्य प्रभु को अर्पित करना है, तब तुम्हारे सारे कार्य, सारी योजनाएं प्रभु सफल बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। मैं अपना एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा। 1984 में उस समय मैं एक नया छोटा पुरोहित था और पवित्र मिसा चढ़ाने के बाद मैं अपने कमरे में गया, मैं एकांत में प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु के वचन मेरे कानों में गूंजने लगा। ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंतों को ज्योति दूं और दलितों को स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। मेरी आत्मा, ईश्वर का आत्मा मुझ में छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंतों को ज्योति दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ये वचन लुकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 18 और 19। तो मैंने उन वचनों पर मनन किया, तो उस समय मुझे लगा कि प्रभु विशेष करके मुझे सुसमाचार का प्रचार कार्य करने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, ईश्वर का आत्मा मुझ में छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। मैं एक पुरोहित बना था, जो भी बिशप स्वामी कहते उसको करने के लिए तैयार था, लेकिन उस समय मुझे पता चला विशेषकर प्रभु मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुला रहे थे। लेकिन तुरंत मैं सुसमाचार प्रचार कार्य में निकल नहीं पड़ा। और उसके बाद 1994 में उस समय मेरे जीवन में एक संकट आया। मैं उस समय झारखंड में डाल्टनगंज डायसिस में सेमिनेरियन इंचार्ज था और डायसिस का विकर जनरल भी था। एक संकट आया, कुछ लोग मेरे विरुद्ध हो गए, उसमें मेरा कोई गुनाह तो नहीं था। और उस समय मैं दुखी हो गया, मैं प्रभु के चरणों में गया और मैं उस समय प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और काफ़ी समय प्रार्थना में बिताने के बाद एक और आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी, तुम अपने कामों को छोड़ो, इस जगह को भी छोड़ो, अपने पद को छोड़ दो। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मन में यह विचार आया, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो मैंने अपने पद को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने काम को छोड़ने का, जगह को भी छोड़ने का निर्णय लिया। और तब मैं ईशवाणी पुणे में गया, जहाँ पे कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा था,
तो 3 महीने का कम्युनिकेशन कोर्स था, मैं उसमें गया। और जब मैं उस कोर्स को करने के लिए जा रहा था, मेरे मन में अंतरात्मा बोल रही थी, मैं इधर कभी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन आगे कहाँ जाऊँगा मुझे मालूम नहीं था। मैं कम्युनिकेशन कोर्स में गया, वहाँ पटना का एक पुरोहित आया था, जो एक कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट पटना में चला रहा था। उस पुरोहित ने मुझे वहाँ निमंत्रण दिया 3 महीने के कम्युनिकेशन कोर्स के बाद में, और आप रवि भारती पटना आइए, वहाँ पे आप कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कम्युनिकेशन अपोस्टलेट में एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बिशप से मैंने अनुमति ली और उसके बाद मैं पटना गया, और मैं पटना में रेडियो वेरितास मणिला के लिए नाटिकाएं सब लिख रहा था। और उसी समय पटना में सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ हो गया था। पोटा टीम उसके पहले पटना में आया था, और पटना में एक टीम बना और वे जगह जगह जाना शुरू किया था, और उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं भी सुसमाचार प्रचार के कार्य में उनका साथ दिया। और मैं याद करता हूँ, पहला सुसमाचार प्रचार का कार्य पोरयाहट नाम एक पल्ली में हुआ था, भागलपुर डायसिस में है। पोरयाहट पल्ली से कोई इधर है? कोई नहीं है। तो वहाँ पे करीब 5-6 हज़ार लोग एकत्रित थे। तो हम लोगों ने 3 दिनों का वचन की घोषणा की, और 3रे दिन रात को सब नौजवान पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। एक अंधी बच्ची थी और उसकी ज्योति मिल गई, वह देखने लगी। एक लंगड़ा बैलगाड़ी में लाया गया था, वह चल करके घर वापस गया। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। और तब मेरे मन में यह विचार आया, अब मेरा समय आ गया है, सुसमाचार का प्रचार करने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पटना टीम के साथ कार्य किया, उसके बाद कोटा टीम के साथ, और उसके बाद अपने टीम के साथ देश विदेश में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने इस अयोग्य व्यक्ति का इस्तेमाल किया, और अभी भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? संपूर्ण समर्पण। जब आप प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु आपको शायद संकट से लेकर के जाएंगे, और लेकिन हर संकट में कोई ना कोई आशीष छिपी हुई है। प्रभु चाहते हैं आप अपने सारे कार्य, अपने जीवन को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ हम लोग सब पापी हैं। पापी है कि नहीं है? हम लोग सब पापी है। हम लोगों का अहम है, क्रोध है, घमंड है, और वासना है, तरह तरह की गलत इच्छाएं हैं। उन सारी बातों को प्रभु के हाथों में आप अर्पित करें। आज रिट्रीट का पहला दिन है, आप अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित करें, सारी बुरी आदतों को प्रभु को अर्पित करें, और साथ ही साथ अपने क्रोध को भी आप प्रभु को अर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्तोत्र ग्रंथ 55:23 में वचन कहता है, तुम अपना सारा बोझ प्रभु को दे दो, क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा। आपके दिल में बोझ है कि नहीं है? परिवार का बोझ है, बच्चों का बोझ है, पति पत्नी का बोझ है, नौकरी का बोझ है, और अन्य कई सारे बोझ है। तुम अपने सारे बोझ, सारा भार प्रभु को दे दो, क्योंकि प्रभु तुम्हें संभालेगा। आपको अपने बोझ को अपने सिर पर नहीं रखना है, सारे बोझों को प्रभु को अर्पित करना है, तब प्रभु आपको संभालेंगे, पूरे बोझ पर प्रभु अधिकार ले लेंगे। हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5:7 में संत पेत्रुस कहते, तुम अपनी सारी चिंताएं प्रभु को अर्पित करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें प्यार करता है। तो सब प्रकार की चिंताएं आज आप प्रभु को दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भोपाल में हमारे घर में एक भाई आया था जबलपुर से, और उसको
52 वर्षों से गुटखा खाने की बुरी आदत थी। वो गुटखा खाता था, जब तक वो गुटखा नहीं खाता उसको आराम नहीं मिलता, उसको नींद नहीं मिलती, वो बेचैन हो जाता था। लेकिन एक बार हमारी एक दो सिस्टर्स उससे बोली, ए भाई आप बहुत प्रार्थना में समय बिताता है, आप अपना गुटखा खाने की आदत क्यों नहीं छोड़ते। तो वह बोला, वो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसके बिना मुझे कोई चैन नहीं, आराम नहीं। तो सिस्टर्स बोली, आप एक बार छोड़ के देखिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वह बोला, ठीक है सिस्टर मैं छोड़ता हूँ। तो गुटखा खाने की आदत को उसने छोड़ दिया, और जब भी खाने का समय आता था फिर भी वो बेचैनी महसूस करता था, लेकिन फिर वह गुटखा खाने को नहीं गया, उस बेचैनी का उसने सहन किया। और मैंने एक वचन भी उसको दिया, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। उस वचन को दोहराओ, जब भी बेचैनी आती है इस वचन को दोहराओ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तो उस भाई ने 52 वर्ष गुटखा खाने की आदत को सफलतापूर्वक त्याग दिया, फिर कभी वापस नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक भाई मिलिट्री में काम करता था, वहाँ पीने का गुलाम बन गया था, दारू का गुलाम बन गया था, क्योंकि फ्री में शराब मिलती है, और वो पी पी करके उसका गुलाम बन गया। 35 वर्षों से वह दारू का गुलाम था, लेकिन किसी रिट्रीट में वह गया, तब प्रभु ने उसको स्पर्श किया, पवित्र आत्मा ने उसको स्पर्श किया। तब उसने एक निर्णय लिया, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा और आधे घंटे तक मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा। और उसने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा का ऐसा स्पर्श उसको मिला, उसने दारू पीने की आदत को छोड़ दिया 35 वर्षों के बाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और इन दिनों एक दूसरा एडिक्शन है, शायद प्राय सबों के जीवन में, बहुतों के जीवन में, वो क्या है? मोबाइल एडिक्शन। और मोबाइल के बिना अब हम जी नहीं सकते, मोबाइल हमारा जीवन साथी बन गया, जीवन साथी से भी बढ़कर, पति पत्नी से भी बढ़कर मोबाइल बन गया है। हमेशा उसको पकड़ना है, हमेशा उसको खोलना है, और छूना लगाना है, छूना लगाना है, और उसको देख के बिना ना चैन मिलता है ना आराम मिलता है। और आज प्रभु चाहते हैं कि हम क्या समर्पण करें, मोबाइल को भी समर्पित करें, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। एक क्लास में बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जब टीचर सिखा रहे थे, पढ़ रहे थे, तब उसको क्लास से बाहर निकाला, तुम अपनी मम्मी और पापा को बुला के लाओ। और मम्मी और पापा को बुला के लेके आया, तब उनको पता चला कि उनकी माँ मोबाइल का अडिक्ट थी, साथ ही साथ उनका पिता भी मोबाइल का अडिक्ट था। तो इसलिए पूरा परिवार मोबाइल का अडिक्ट बन गए थे, मोबाइल से वे इतने जुड़े थे। आज प्रभु चाहते हैं कि आप मोबाइल को भी समर्पित करें प्रभु के हाथों में। मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए मोबाइल को देखें, लेकिन बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं। आपको ये बोलना है, यह मेरे लिए नहीं है। और निश्चित समय तक आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे अधिक मोबाइल को ना छुएं। हालेलुया, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कितने सारे लोगों की आंखें खराब हो जाती है, और आपका मन बिगड़ जाता है। बच्चे सब पढ़ नहीं पाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन, मन भटक जाता है, और उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचता, क्योंकि बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें वे देखते रहते हैं, और मोबाइल शरीर मन आत्मा को खराब करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या मोबाइल को भी समर्पित करने के लिए आप तैयार है? जो तैयार है जरा हाथ उठाएंगे। अभी तो सोचता हूँ लोगों की संख्या हाथ जरा कम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, आप अगल बगल में बोलिए, आपको अपने मोबाइल को समर्पित करना है, जरा बोलिए अगल बगल में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो,
यीशु को धन्यवाद। जब तक हम अपने पापों को समर्पित नहीं करेंगे, बुरी आदतों को अर्पित नहीं करेंगे, मोबाइल के प्रति हमारा जो लगाव है उसको समर्पित नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हम लोगों में कार्य नहीं करेगा। हम पवित्रता में, समर्पण में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और प्रभु के निकट हम नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु चाहते हैं आप अपने सारे रोगों को भी अर्पित करें। कितने सारे लोग रोगी हैं, बीमार है, जरा हाथों को लहराइए। बाप रे, बहुत सारे लोग रोगी है, बीमार है। आप, मुझको भी थोड़ा प्रॉब्लम है, शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग सब रोगी है। तो लेकिन प्रभु चाहते हैं अपने रोगों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, रोग बीमारी के बारे में जो चिंता है उसको भी हम प्रभु के हाथों में अर्पित करें। और प्रभु बहुतों को चंगा करते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15:26 में वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। और यदि आप चाहेंगे, आप प्रभु के इस वचन को आप 1000 बार लिख सकते हैं, और इन दिनों कम से कम 200 बार लिखिए, रिट्रीट के बाद 1000 बार लिखिए, पूरा कीजिए, आपका रोग बीमारी यूं ही चली जाएगी। यदि प्रभु की इच्छा योजना है तो आपकी बीमारी चली जाएगी। कोई कोई बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है, आपके पवित्रीकरण के लिए है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार ऑनलाइन रिट्रीट दे रहा था, मैंने वहाँ पर प्रस्ताव रखा था, यदि आपका कोई प्रियजन या आप बीमार है, आप उस वचन को 1000 बार लिखिए। कौन सा वचन? निर्गमन 15:26b, उसका अंतिम भाग, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। या आप एक अन्य वचन भी लिख सकते हैं, इजायस के ग्रंथ 53:5, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उस वचन को भी आप लिख सकते हैं। या एक वचन को आप लिखिए, 1000 बार लिखिए। और एक बहन ने उस वचन को सुना और उसके बाद वो अपने एक भाई के लिए वह वचन लिख रही थी, 1000 बार लिख रही थी, और वो अर्थाग रोगी था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, और उस बहन ने 1000 बार समाप्त भी नहीं किया, उसके पहले वह भाई उठ करके चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? क्यों लिखना है? क्योंकि मकाबियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 56 में एक वचन कहता है, तुमने जो लिखा है उसे मैं पूरा करूंगा। वचन क्या कहता है? तुमने जो लिखा है उसे मैं पूरा करूंगा। तो लिखने में एक आशीष है, एक विशेष कृपा है। तो आप अन्य 10,000 रोगियों के लिए उस वचन को लिखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं लिखना, अन्य 10,000 रोगियों के लिए उस वचन को लिखिए। यदि प्रभु की इच्छा योजना में हैं, आप चंगे हो जाएंगे। यदि चंगा नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, प्रभु आपको अपने रोग बीमारी को सहने की शक्ति प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचर अध्याय 9 में वाक्य संख्या 1-8 तक में हम पढ़ते, एक अर्थाग रोगी यीशु के पास लाया गया था, और तब मैंने जफरली की फिल्म जीसस ऑफ नासरत को देखा, तो उसमें वह अर्थाग रोगी यीशु से कहते हैं, प्रभु मैं 20 वर्षों से बीमार हूँ, मेरे पापों के कारण, मेरे माता पिता के पापों के कारण मैं 20 वर्षों से अर्थाग रोगी हूँ। तो उसने अपने पापों के लिए, माता पिता के पापों के लिए पश्चाताप किया। यीशु क्या बोले? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तब यीशु बोले, उठो, अपनी खाट उठा करके चलो, फिरो। और उसी क्षण उसके पैरों में, उसके घुटनों में, टखनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप अपने रोगों को, अपने रोगी भाई बहनों को, माता पिता सबको भी अर्पित कीजिए। जैसे कि 4-5 लोग उस अर्थाग रोगी को
लेकर के यीशु के पास लाया तो बहुत कष्ट उठा करके छत के ऊपर चढ़ गए थे, छत को खोले थे, उसके बाद खाट के साथ उस अर्थात रोगी को यीशु के सामने उतारा था। और यीशु ने उनके विश्वास को देखा और कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, उठो अपनी खाट उठा करके चलो फिरो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। मेरे मन में यह विचार आ रहा है, प्रेरणा आ रही है, आपके घुटनों में पैरों में किसी किसी को दर्द है, दर्द से चंगाई मिल रही है, आपके घुटनों में पैरों में किसी किसी को दर्द है, दर्द से आपको चंगाई मिल रही है, किसी ने अनुभव किया तो हाथ उठा सकते हैं, घुटनों में पैरों में दर्द से आपको जरा हाथ उठाइए, 1, 2, 3, 4, कई लोगों को आशीष चंगाई मिल चुकी है, कम से कम 20 लोगों के हाथ ऊपर है, ताली बजाएं, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ आज प्रभु चाहते हैं आप अपना समय प्रभु को अर्पित करें। कितने लोग समय को बर्बाद करते हैं फालतू बातों में और चुगली करने में, बेकार की बातें करने में हम समय को बर्बाद करते हैं, या इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। समय कीमती है, समय कभी आप वापस नहीं ले सकते, समय गया तो चला गया, समय वापस नहीं आएगा, तो समय को आप कभी बर्बाद न करें। आप अपनी क्षमता को अर्पित करें, अपनी प्रतिभाओं को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। आपको हो सकता है प्रतिभा है गाने की प्रतिभा, या बोलने की प्रतिभा है, और क्या क्या है, शायद आपको बजाने की प्रतिभा है, नाचने की प्रतिभा है, सब कुछ प्रभु को अर्पित करें। जब आप समर्पित करेंगे प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बनारस में एक बहन थी, वह इडली दोसा बेच करके अपना परिवार का संचालन करती थी, और वह गिरजाघर की सफाई करती थी, झाड़ू करती थी, अपना परिवार का संचालन करती थी। लेकिन जब वह एक रिट्रीट में गई, आत्मिक साधना में गई, उसको पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला, उसकी आवाज़ तो अच्छी थी, और पवित्र आत्मा ने उसको ऐसा स्पर्श किया, उसकी आवाज़ बहुत मीठी बन गई और वह गाने लगी। तो हमारे साथ वो गाने के लिए आना शुरू किया, और रिट्रीट में वो गाती थी फादर अनिल देव के साथ, मेरे साथ कई बार वह गाने के लिए आती थी, उसकी आवाज़ में बहुत ही सुंदर अभिषेक था। हालेलुया। तो झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला वजन की घोषणा करने लगी, गवाही देने लगी, काउंसलिंग करने लगी, और गीत भी गाने लगी। हालेलुया। आप अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्षमताओं को प्रभु को अर्पित करें। हो सकता है प्रार्थना करने का आपका वरदान है, आप प्रभु को अर्पित करें। गाने का वरदान है, प्रभु को अर्पित करें। और प्रभु यीशु कहते, तुम अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति से अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो। मार्कोस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 28 से 30 तक। पहला आदेश क्या है, सबसे बड़ा आदेश क्या है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। और तो आप अपनी सारी शक्ति प्रभु को अर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आप अपनी धन संपत्ति को भी प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, या गरीबी को भी आप अर्पित कीजिए। जो भी धन आपके पास है, नौकरी आपके पास है, अच्छी आमदनी है, उन सारी बातों को आप प्रभु को अर्पित करें। और आप देखेंगे बाइबल में हम लोग संत मरियम मगदलना के बारे में पढ़ते हैं, योहन्ना सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 8:1-3 तक में, लूकस 8:1-3 तक में मरियम मगदलना और योहन्ना और सुसन्ना अपनी धन संपत्ति से यीशु और शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। अर्थात अपना धन यीशु के लिए, शिष्यों के लिए वे खर्च कर रही थी, सुसमाचार के लिए खर्च कर रही थी। और अंत में मरियम मगदलना क्या बन गई, बहुत बड़ी पापनी स्त्री, वो क्या बन गई, प्रभु की शिष्या बन गई, वह संत मरियम मगदलना बन गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:36 में, एक्ट्स ऑफ द एपोसल्स 4:36, वहां पे हम लोग बरनबस के बारे में पढ़ते हैं,
उसका खेत था, उसने खेत को बेच दिया और पूरे पैसे प्रेरितों के चरणों में लाकर के समर्पित किया। प्रेरितों ने सबकी जरूरत के अनुसार एक दूसरे को पैसे दिए और वहाँ पे कोई भी कंगाल नहीं था, क्योंकि बरनबस जैसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:8-12, वहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, तुम अपने दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो, तुम अपने दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो, तुम अपना पूरा दशमांश मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अच्छी वर्षा भेजूंगा और तुम्हारी फसल को टिड्डियां बर्बाद नहीं करेगी और तुम्हारी दाखबारियों में दाखलता अच्छा फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप 10,000 रुपया कमाते हैं, कितना प्रभु को देना है? 1,000 रुपया प्रभु का है, वो प्रभु का है। यदि आप 1,00,000 कमाते हैं, कितना प्रभु का है? 10,000 प्रभु का है। यदि आप प्रभु को नहीं देंगे तो आप क्या करते हैं? चोरी करते हैं, प्रभु को ठगते हैं। तो आपके जीवन में आशीष नहीं उतरेगी। यदि आप आशीष चाहेंगे, अपना दशमांश भी अर्पित करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भोपाल में, हमारे कम्युनिटी में 32 लोग हैं। हम लोगों की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई अस्पताल स्कूल भी नहीं है। जगह जगह हम लोग वचन सुनाने के लिए जाते हैं, वहाँ से कुछ तो मिलते हैं, और लेकिन उससे इतने लोगों का खर्च तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का वचन है, प्रभु का वायदा है। हम लोग परम प्रसाद की आराधना निरंतर करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, जगह जगह जाकर वचन सुनाते हैं, और प्रभु यूं ही हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, और जो कुछ हमें मिलता है उसका भी हम दशमांश देते हैं। मैं एक रिट्रीट सेंटर में गया था वचन सुनाने के लिए, और वहाँ मैंने 5,000 रुपया डोनेशन में दे दिया, पुरोहित को दे दिया, और उस पुरोहित ने धन्यवाद दिया, प्रार्थना की। मैं लौट रहा था, मैं ट्रेन में था, उस समय किसी ने मुझे चेन्नई से फ़ोन किया और कहा, फादर आपके अकाउंट में मैंने 15,000 जमा किया है, दो दिनों के बाद। मैं एक और जगह गया वचन सुनाने के लिए, और वहाँ पे मैंने 10,000 डोनेशन में दे दिया, यानी दशमांश जैसे दे दिया। और जब मैं लौट रहा था, एक बुजुर्ग पुरोहित से मेरी मुलाकात हुई रास्ते में, वह बीमार भी था, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद उस पुरोहित ने मेरे हाथ में एक लिफाफा रख दिया, ये आपके काम के लिए, आपके सेवा कार्य के लिए। और मैंने बाद में देखा उसमें 1,00,000 रुपये था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितना दिया? 10,000। प्रभु ने मुझे कितना लौटाया? 1,00,000, वो भी 2-3 दिनों के बाद में। हालेलुया। आप बैंक में जमा करेंगे, आपको उतना पैसा मिलेगा? शायद 6-7% आपको मिलेगा, वो भी 1 वर्ष में। ये तो 2-3 दिनों में प्रभु ने हमें उतना लौटा दिया। तो इसलिए वचन क्या कहता है, लूकस का सुसमाचार 6:38 में, लूकस 6:38 में वचन क्या कहता है, दो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर, बरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप आपकी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से आप नापते उसी नाप से आपका भी नाप होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को जरा दोहराइए, दो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर, बरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप आपकी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो देने से घटता है कि बढ़ता है?
देने से बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तक जिन्होंने दशमांश नहीं दिया, जरा हिसाब लगाइए, पिछले कई वर्षों से उतना प्रभु को देने के लिए पूरा कदम उठाइए। और आपको शायद आर्थिक परेशानियां हो रही हैं, सारी परेशानियां प्रभु हल करेंगे, परेशानियां दूर होंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आप देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 16 से 22 तक में धनी युवक के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसने यीशु से पूछा, आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु बोले, आदेशों का आज्ञाओं का पालन करो। मैं तो बचपन से आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूँ, मुझ में और क्या कमी है? तो यीशु क्या बोले, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो तुम अपना सब कुछ बेच करके मेरा अनुसरण करो, बेच करके गरीबों को दे दो, तब आकर के मेरा अनुसरण करो। तब क्या हो गया, उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर के चला गया। उसको एक बुलावा था, जैसे प्रेरितों को यीशु ने बुलाया तो वैसे ही उनकी एक विशेष बुलाहट थी, लेकिन उसने उस बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं किया, वह उदास होकर के चला गया। यदि आप धन के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखेंगे, धन के प्रति लगाव है और अटैचमेंट है, आप कभी खुश नहीं होंगे। धन को ईश्वर से भी अधिक प्यार कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, यदि कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई भाई बहन को मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई अपने जीवन को भी या धन संपत्ति को भी मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, दूसरा स्थान, अंतिम स्थान नहीं, पहला स्थान। क्योंकि यीशु कहते हैं प्रकाशन ग्रंथ 22:13 में, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम, मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने जीवन को भी अर्पित करना है, जैसे यीशु ने अपने जीवन को अर्पित किया, संत पेत्रुस ने अपने जीवन को अर्पित किया। और तब प्रभु हमारे हमारा रूपांतरण करेंगे, हमारे जीवन को बदलेंगे, हम जैसे के तैसे नहीं रहेंगे। और मैं एक संत के लेख को मैं पढ़ रहा था, संत सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बहुत ही पुराना संत है, उसने क्या लिखा है, हमें शब्द के दैविक स्वभाव के सहभागी बनना आवश्यक है। ये शब्द क्या है, शब्द क्या है, यीशु है। आदि में शब्द था, शब्द यीशु के साथ था, शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था। तो हमें शब्द के दैविक स्वभाव, तो यीशु का दैविक स्वभाव क्या है, पवित्र है, वह प्रेम है, उसमें इतनी अधिक विनम्रता है, क्षमाशीलता है, वह है यीशु का दैविक स्वभाव। हमें शब्द के दैविक स्वभाव के सहभागी बनना आवश्यक है, उसके लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है, ताकि हमारा रूपांतरण हो सके और हम पूर्ण रूपेण नया जीवन जी सके। तो जब हम अपने जीवन को यीशु के हाथों में अर्पित करेंगे, हमें यीशु का वह दैविक स्वभाव मिल जाएगा। हमारा मानव स्वभाव जो अहम है, घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या, जलन, वासना से प्रेरित है, वो सब दूर हो जाएगा, हमें यीशु का ही स्वभाव हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और बाइबल में हम देखते हैं समर्पण के कौन आदर्श है, समर्पण का कोई आदर्श आप बोल सकते हैं, इब्राहिम समर्पण का एक बहुत ही सुंदर आदर्श था। प्रभु ने उसे क्या कहा, तुम अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर छोड़ दो, उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 1-5। तब प्रभु ने उसको तीन बड़ा आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा और तुम पृथ्वी भर के लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम ने समर्पण किया कि नहीं, समर्पण किया। और बाद में जब उसको एक बच्चा मिला, उसने इसहाक को भी समर्पित किया।
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम देखते हैं, और उसको मारने के लिए वो तैयार था। तब ईश्वर ने उसे कहा, इब्राहिम इब्राहिम, अब मैं जान गया कि तुम अपने एकलौते बच्चे से भी बढ़कर मुझको प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी संतान आकाश के तारों की तरह, समुद्र तट के बालू की तरह असंख्य होंगी, और तुम्हें अन्य राष्ट्रों पर अधिकार मिलेगा, और साथ ही साथ तुम्हारा नाम पृथ्वी भर के लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनेगा। हालेलुया। आज इब्राहिम को कौन कौन मानते हैं? क्रिस्ती लोग मानते हैं कि नहीं? मानते, उनका आदर करते हैं। यहूदी लोग भी इब्राहिम को मानते, उनको आदर करते हैं। हालेलुया। तो जब हम अपने को समर्पित करते हैं, जो कुछ प्रभु हमसे चाहेंगे अर्पित करेंगे, प्रभु हमें महान बनाएंगे। इब्राहिम महान व्यक्ति बना। माता मरियम ने भी प्रभु को पूर्ण रूपेण अर्पित किया। ईश्वर की योजना के सामने वह नतमस्तक हो गए और उसने प्रभु से क्या कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदन मुझ में पूरा हो। लूकस 1:38। हालेलुया। और वह इसलिए प्रभु की मां बन गई, संसार भर में सबसे प्रतिष्ठित महिला बन गई। और मां मरियम ने स्वयं भविष्यवाणी की, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हालेलुया हालेलुया। और वह कलीसिया की मां बन गई, स्वर्गदूतों की रानी, प्रेरितों की रानी, संतों की रानी बन गई। हालेलुया हालेलुया। और येसु का समर्पण, सबसे परिपूर्ण समर्पण किसका समर्पण है? येसु का समर्पण। और उसके बारे में फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में लिखा गया है, वाक्य संज्ञा 6-11 तक में, येसु ईश्वर के बराबर थे, वह अपने पिता ईश्वर के बराबर थे, फिर भी वह दास बने, अपने को दीनहीन बनाया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और आकाश प्रति अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे, स्वीकार करेंगे कि येसु ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वह सारे संसार का मुक्तिदाता बन गया। आज उसके नाम में हजारों लाखों गिरजाघर है, संस्थाएं हैं, और उनका नाम हम बराबर लेते हैं। आकाश प्रति अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और येसु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। जो कुछ आपके जीवन में है आप प्रभु को अर्पित करें, दुखों को, तकलीफों को, बुरी आदतों को, पापों को, सारे कार्यों को, बच्चों को, पति पत्नी, सब कुछ प्रभु को अर्पित करें। सब कुछ प्रभु की देन है और सब कुछ हमें प्रभु को अर्पित करना है। जब हम प्रभु को अर्पित करेंगे, जैसे वह झरना सागर में लीन हो गया, सागर में खो गया, और सागर का जो कुछ भी था उसका बन गया, वैसे ही जब आप प्रभु में अपने को खो देंगे, प्रभु के पास जो कुछ है आपका बन जाएगा। आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनेंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें। माँ मरियम समर्पण का बहुत ही सुंदर आदर्श है। एक बार प्रणाम मरिया बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु।